नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इंडिया यात्री की आँखों से देखा जाए तो और ये है पेज नंबर वन जीरो थ्री और नंबर सी टू ग्रुप डिस्कशन डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स तो ये जो लिखा हुआ है फॉलोइंग इनको ग्रुप्स में ग्रुप बनाइए या पेयर्स माने दो लोग ठीक है नंबर वन सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन फैमिली लाइफ तो इंडिया की जो फैमिली होती है परिवार होता है उनका जो आ, उनकी जो ज़िंदगी होती है उन उन में क्या ख़ास बात है सेलियंट फीचर्स ठीक है तो ज़्यादा तो उसमें आप अपनी फैमिली को देख लीजिए या आपके फ्रेंड्स की फैमिलीज़ को देख लीजिए तो ज़्यादातर वो खाना साथ में खाते हैं फिर त्यौहार साथ में सेलिब्रेट करते हैं दिवाली है होली है सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं चाहे हर दिन खाना साथ में ना हो पर चार से पाँच दिन तो खाना साथ में होता है हुँ? और फिर और स्टैंड ज़्यादातर स्टैंडर्ड खाना होता है रोटी दाल सब्जी ऐसे राइट फिर जो घर पे के बड़े होते हैं जो माँ बाप होते हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है जो उनसे भी बड़े होते हैं जैसे दादा दादी नाना नानी उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है उनके पैर छुए जाते हैं त्यौहार पे या जब आप आते हो जाते हो है ना फिर एक दूसरे को पे आप लोग भरोसा कर सकते हो रिलाय कर सकते हो है ना जब परिवार में इंडियन परिवार में लोग रहते हैं कभी कभी क्या होता है कि घर छोटे होते हैं तो ज़्यादा जगह नहीं होती है तो लोग साथ साथ रहते हैं तो एडजस्ट करना भी सीखते हैं है ना आम, और आम, मेरे को तो ये बात पता लगी इंडियन परिवार के बारे में पर ये आ, फ्री स्टाइल है माने जो आपके मन में आए वो आप लिखो कि आपको क्या लगता है कि इंडियन परिवार की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट या सेलियंट फीचर्स क्या हैं ठीक है, है? आ, ये पैसेज से लेने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी से लेने की ज़रूरत नहीं है फिर दूसरा है जॉइंट फैमिली नंबर टू जॉइंट फैमिली वर्सेज़ न्यूक्लियर फ़ैमिली जॉइंट फैमिली वो होती है जो परिवार जो बड़ा होता है साथ में रहता है माने चाचा चाची ताऊ जी सारे कजन्स जो हैं उनके बच्चे दादा दादी नाना नानी माने सब लोग साथ में एक घर में रहते हैं जिसमें एक किचन होता है और सब लोग उसी से खाते हैं तो जॉइंट फैमिली कैसी होती है और न्यूक्लियर फैमिली क्या कैसी होती है उसको कंपेयर करो तो मैं थो, कि थोड़े से जो है एडवांटेजेस माने जो फ़ायदे होते हैं दोनों के अच्छा और जो फायदेमंद नहीं होते हैं वो चीज़ें दोनों के तो जॉइंट फैमिली में आप देखोगे कि फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं कि आ, आपको कभी नहीं लगेगा कि आप अकेले हो क्योंकि कोई ना कोई होगा और जिसके साथ आप बात कर सकते हो हु? फिर आप शेयरिंग सीखते हो माने एक दूसरे से बांटना जो है आप सीखते हो क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिसके साथ बाँटना पड़ता है फिर बहुत सारा प्यार मिलता है और ख्या, ख्याल रखा जाता है बच्चों का भी बड़ों का भी फिर अम्म ऐसा uh, एजुकेशन uh, मिलता है जो किताबों में नहीं मिलता है माने आप लाइफ ज़िंदगी के बारे में आप सीखते हो उस परिवार में इकट्ठा um, होना जैसे जो फीलिंग होती है जो um, जज्बात होते हैं इकट्ठे होने के वो होते हैं यू लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल्सो किसी को ज़रा सम्मान देना हो जो बड़े होते हैं उनको सम्मान देना um, कैसे व्यवहार करना होता है वो आप सीखते हो जॉइंट फैमिली में तो जॉइंट फैमिली की ना फायदेमंद ये बातें हैं कि आपको प्राइवेसी ज़्यादा नहीं मिलेगी माने पूरे टाइम लोग रहेंगे तो अगर आपको थोड़ा अकेलापन चाहिए थोड़ी शांति चाहिए वो शायद आपको ना मिले ठीक है um, ऑल्सो um, फ़ायदेमंद चीज़ें में ये है कि एक परिवार होता है वो एक ही किचन से खाता है जो सारे पैसे अंदर आते हैं वो बांटता है तो यू um, नो you know, वो फ़ायदेमंद देखा जाता है या ना फायदा भी देखा जाता है ठीक है फिर अगर um, कोई अपने बच्चे को ऐसे बोल रहा है कि ये करो वो करो वगैरह तो हो सकता है कि दूसरे लोग जो हैं आके बोलें कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तो um, दखलानंदाजी करें ठीक है ऐसा भी होता है फिर अः डिसएडवांटेजेस uh, अगर को कोई सा भी छोटा सा भी कुछ भी डिसीजन लेना हो तो सबसे बताना पड़ता है या सबको पता लग जाता है और फिर दखलंदी दखल अंदाजी भी होती है ठीक है ए आ, अगर किसी को कुछ खाना है किसी और को कुछ खाना है पर वो एक ही चीज़ बनाई जा रही है किचन में तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कोई कोई लोगों को ठीक है um, और फिर एडजस्ट करना पड़ता है है ना uh, अगर uh, ताऊ जी हैं ताई जी हैं चाचा जी हैं चाची जी हैं दादा दादी नाना नानी सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है पड़ता है तो ऐसा जॉइंट फैमिली में होता है न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें खाली दो लोग होते हैं पेरेंट्स माने माँ और बाप और फिर बच्चे बस कोई घर का बड़ा नहीं होता उनमें या कज़न्स वगैरह साथ में नहीं रहते तो जो न्यूक्लियर फ़ैमिली ऐसी होती है कि कभी कभी उसमें जो है अकेलापन महसूस होता है क्योंकि माँ बाप घर पे ना हो बच्चे अकेले हों ऐसा होता है आ, पर अगर कुछ डिसीजन लेना हो तो सब लोग बैठ के वो डिसीजन ले सकते हैं वो और कन्फ्यूजन नहीं होगा वो न्यूक्लियर फ़ैमिली में है पर न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर ना दादा 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 दादी नाना नानी नहीं होते तो वो जो सलाह देते हैं वो नहीं होती है, है ना तो अकेलापन में महसूस हो सकता है और आ, कभी कभी आदमी को सलाह चाहिए वो नहीं मिलती है आ, फिर आ, आ, परिवार के लोग माँ बाप बाहर अगर काम करते हैं लेट आते हैं बच्चे शायद कभी कभी खुद ही खाते हैं या जो घर में है अगर कोई आ, सर्वेंट है या कोई तो वो दे देते हैं आ, तो इतना जो है हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो पर हो भी सकता है कि अगर माँ बाप जल्दी आते हों खाने के टाइम बच्चों के साथ रहते हों तो बॉन्ड स्ट्रोंग भी हो सकता है तो वो हर परिवार पे डिपेंड डिपेंडेंट है पर न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा हो सकता है जॉइंट फैमिली में जो है कोई ना कोई घर में रहेगा तो ऐसा लाइक नहीं होगा ज़्यादातर आप अकेले नहीं खाओगे कोई ना कोई आप साथ में साथ में रहेगा कोई ना कोई आपके साथ खा, खाएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको बात करनी है किसी से तो न्यूक्लियर फैमिली में शायद हो सकता किसी कोई ना हो और आप फो, फोन पे किसी से बात कर सकें पर घर में कोई ना हो जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होगा तो आ, ये सब चीज़ें हैं दखल न्यूक्लियर फैमिली में दखल अंदाजी नहीं होगी क्योंकि कोई है ही नहीं दखल अंदाजी करने के लिए है ना तो ये हुई ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की बातें ये मुझे लगा पर आपको शायद अगर और भी पॉइंट है तो ये लेसन के मुताबिक नहीं जाना है जो आपको लगे उस पर जाना है ठीक है तो यहाँ मैं बंद कर